मेरे लिए नहीं, हर खिलाड़ी के लिए, पूरे वर्ल्ड में जो कोई भी खिलाड़ी है, चाहे वो छोटा खिलाड़ी या बड़ा खिलाड़ी है, उसके लिए ओलंपिक जो है वो बहुत इम्पोर्टेंस रखता है. और ओलंपिक जो है बहुत बड़े खेल हैं, और मैं मानता हूँ कि वो बहुत भाग्यशाली खिलाड़ी होते हैं जो ओलंपिक में खेलने का मौका मिलता है उन्हें. तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं कि देश के लिए रेसलिंग में 2 मेडल मैंने जीते हैं. लंदन ओलंपिक के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊं तो लंदन ओलंपिक की बड़े ज़ोरों से हमने तैयारी की कि हमने देश के लिए मेडल जीतना है. और यही था दिमाग में कि जापानी रेसलर को हराना है. और वो कुश्ती से पहले प्लान किया गया था कि काउंटर अटैक हम इस पर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मैं थोड़ा इंजर्ड था. तो इंजर्ड जब आदमी कोई होता है तो काउंटर अटैक पर ही ज़्यादा फोकस होते हैं. पूरा प्लान होता है रेसलिंग का, और तो स्टार्टिंग से ही पहले मिनट से ही अलर्ट रहते हैं कि हाँ ओपोनेंट से क्या गलतियां हम कराएं, और वो गलती करे तो उसको कहाँ हमने पकड़ना है. क्योंकि एक रेसलिंग में एक थोड़ा ही टाइम मिलता है कि ओपोनेंट की गलतियां भी पकड़नी है, उसमें काउंटर भी करना है, और हमें स्कोरिंग भी करना है. मगर ये कई कुश्ती में हमारी सोची हुई चीज़ें नहीं होती हैं, और मैं कहूं कि जापानी रेसलर भी अच्छे से तैयार होके आया था. और कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि हमारी ये गलती रही कि हमने स्टार्टिंग हमारी अच्छे से नहीं हुई. हम रेसलिंग में कहीं अपने दिशा से दूसरी साइड हम जा रहे हो तो वो जो कोच का काम वही रहता है कि आप अपने अटैक पे आएँ, अपने उसी जगह फोकस वो रखते हैं. वो यही एडवाइस देते हैं कि अपनी जो कुश्ती है वो आप खेलें, ना कि जो अपने ओपोनेंट खिलाना चाहता है वो खेलें. इंडिया में सभी रेसलरों ने, कोई भी रेसलर है चाहे वो, उन्होंने सब ने मिट्टी में पहले ट्रेनिंग की हुई है. गांव में जो हमारे गुरु होते हैं, हमारे जो कोचेज होते हैं, वो चीज़ हमें बताते रहते हैं कि जो पुराने संस्कारों से आप चलोगे तो आप जीवन में और अच्छा कर पाओगे. जैसे हर देश में अलग अलग ट्रेडिशन है तो उस पर वो लोग अपना एक प्रिंसिपल होते हैं उनके, वो खुद उन पर चलते हैं तो जब भी वो अच्छा कर पाते हैं. तो वही है, इंडिया में भी एक अच्छे संस्कार कोचेज डालते हैं तो वो सबको यही चीज़ें सिखाते हैं हमारे ग्रुप. हर दिन जब आदमी एक चीज़ को करता है और उसमें टाइम बढ़ता है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 10 साल 20 साल, तो वो हर टाइम हर रोज़ नई चीज़ें सीखता है, एक्सपीरियंस उसके अंदर आता है, उसको खेलने का स्टाइल वो हर दिन बदलता है. तो वो खिलाड़ी अपने हिसाब से अपने आप को बदलता रहता है. जब आप पीछे के बारे में आप सोचोगे तो उसको आगे तो नहीं ला सकते आप. जो आगे आने वाली चीज़ है उस पर आप ध्यान दें, तो उसके तुरंत बाद हम ज़्यादा सोचते नहीं, और खिलाड़ी को सोचना भी नहीं चाहिए कि आपकी फ़ाइट में क्या हुआ था. आप उस पुरानी चीज़ को लेके बैठे रहोगे तो मेरा मानना यह है कि आप अच्छा नहीं कर पाओगे. आगे जो चीज़ें हो रही हैं उस पर आप ध्यान दें, और बस उसी टाइम से फोकस हो जाता है कि हमें अच्छा करना है, जो अगले टूर्नामेंट है उनमें अच्छा करना है. और हमारे फिजियो हैं मुनेश जी, वो हमेशा ये चीज़ें बताते भी रहते हैं. हमारे कोच साहब हैं अशोक जी, विनोद जी, जयवीर जी, तो सब लोग बताते रहते हैं ये बातें अच्छी.